नमस्कार, आदाब। मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। आप सबको मैं स्वागत कर रहा हूं न्यूज क्लिक के ये कार्यक्रम में। आज का चर्चा का विषय है तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा होने वाले हैं। 30 नवंबर तेलंगाना विधानसभा का चुनाव हो रहे हैं, वहां पे विधानसभा चुनाव, और 3 दिसंबर इसका नतीजा मिलेगा। तो इस विषय के ऊपर क्या क्या मुद्दा है? सत्ता विरोधी एंटी इनकम्बेंसी कुछ माहौल है कि नहीं? भ्रष्टाचार क्या एक मुद्दा है? सांप्रदायिकता क्या एक मुद्दा है? अलग अलग जो किसान के लिए, आम लोगों के लिए जो सेवा कर रहा है सरकार का, जो अलग अलग कार्यक्रम है, ये कितना बड़ा मुद्दा होगा? ये सारे विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे। भाई साहब, जो तेलंगाना का राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं, राज्य का ऊपर नीच उन्होंने किया। तेलंगाना नया राज्य है, एकदम नया राज्य है। तो मैं आज स्वागत कर रहा हूं प्रोफेसर अफरोज आलम जी। प्रोफेसर आलम, धन्यवाद आपका थैंक कीमती यू सर। समय आपने दिया। और हमारे दर्शक को मैं हम बताना चाहता हूं कि अध्यापक अफरोज आलम जी, उन्होंने राजनीति विज्ञान का प्रोफेसर है, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। तो प्रोफेसर साहब, क्या देख रहे हैं माहौल, क्या देख रहे हैं लोग? कह रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी, केसीआर के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री, केसीआर, इनका जो बीआरएस है जिसका नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति, आज नाम बदल गया भारत राष्ट्र समिति, इस बार एक जबरदस्त संघर्ष होगा। क्या माहौल आप देख रहे हैं? राजनीतिक माहौल के बारे में आप बताइए। सर, तेलंगाना जो राज्य है अपने आप में एक छोटा राज्य तो जरूर है, लेकिन यहाँ की राजनीति क्वाइट हैपनिंग है। और आप यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, पिछले हफ्ते बात करेंगे तो एक नया डायनेमिक्स था, इस हफ्ते बात करेंगे तो एक नया डायनेमिक्स है। तो इस स्टेट की जो पॉलिटिक्स है वो एक ट्रांजिशन की पॉलिटिक्स है और एक फ्लक्स की पॉलिटिक्स है, हमें देखने को मिल रहा है। और आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्र समिति जो एक एक राष्ट्रीय रूपरेखा अपना रही है, लेकिन अभी भी ये एक तेलंगाना क्षेत्र में ही महदूद है और तेलंगाना की एक डोमिनेंट रीजनल पार्टी की तरह है। और यू नो दैट कि अब बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वो एक कुछ उनके एक मुद्दे होते हैं जिसकी वजह से फॉर्मेशन होता है। एक तेलंगाना मूवमेंट एक बेसिस प्रोवाइड कर रहा था इस पार्टी के फॉर्मेशन में। देखना ये था कि 2014 के चुनाव में ये जीत करके आए, 2018 के चुनाव में ये जीते, और जीते ही नहीं, एक प्रचंड बहुमत के साथ जीते थे। 2014 में 119 में 63 बिल्कुल और उसका 4 साल के थोड़ा ज्यादा 2018 में, और भारी बहुमत में 119 में 88 मिला उनको। मतलब लोग कह रहे थे एक वो जुआ जुआरी के एक गैम्बल ले रहे वो, कि 9 महीना पहले चुनाव कर रहे हैं, मगर वो फायदा मिला बहुत। ये काफी एक अलग ही राज्य है सर तेलंगाना। और लेकिन जिस तरह से तेलंगाना सेंटीमेंट 2014 में डोमिनेंट थी, 2018 में भी वो बरकरार रही, उस तरह का तेलंगाना सेंटीमेंट 2023 में देखने को नहीं मिल रहा है। कि नहीं कि बीआरएस और तेलंगाना मूवमेंट दोनों एकसा है और दोनों को वोट देना तेलंगाना के लिए वोट देना बीआरएस के लिए वोट देने के बराबर है, और बीआरएस को वोट देना तेलंगाना को वोट देने के बराबर था। ये 2018 तक ये रहा, लेकिन इस क्योंकि बार क्योंकि केसीआर जी उस समय कह रहे थे टीआरएस के लिए तेलंगाना बना। आपको याद होगा कि 2011 में उन्होंने स्थापन किया यह राजनीतिक दल, वो केंद्र में मंत्री भी थे।
उससे पहले, मगर आप जैसे कह रहे हैं, इसका क्या कारण है बताइए? कारण यह है कि सर, क्योंकि अब तेलंगाना अचीव हो गया है, और तेलंगाना इसलिए भी यूनिक है कि यहाँ का जो चुनाव हो रहा है वो पिछले परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हो रहा है कि स्टेट ने पिछले सालों में क्या डिलीवर किया। तो हर पार्टीज जो चुनाव लड़ रही हैं वो कम्युनल एजेंडा से कहीं ज्यादा डेवलपमेंटल एजेंडा हावी है लोगों के दिमाग। एक तो ये हुआ कि आपने इतनी प्रॉमिसेस की थी 2018 में कि हम रायतो बंधु की तरह हम किसानों को ये देंगे, आपने फिर आपने ये कहा कहा। आप हर व्यक्ति जिसके पास 1 एकड़ जमीन है, इनको 10,000 रुपया हर साल देंगे। आप कह एग्जैक्टली रहे हैं ये 16,000 बढ़ जाएगा। जी हाँ। तो कांग्रेस भी आप उठ कह रहे, तो एक कंपिटिटिव प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं बोथ द पार्टीज। आप देखेंगे इनकी इस बार की और इनफेक्ट तेलंगाना के सियासत की खूबी कि वो एक जज्बाती मुद्दों पे ना अटक करके एक जेन्युइन सेंस में डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स हो रही है कि हम आएंगे तो हम सिलेंडर ये करेंगे। एक ने कहा कि हम 500 में देंगे, दूसरे ने कहा कि हम 400 में देंगे, फिर दूसरे ने कहा कि नहीं हम आएंगे तो हम किसानों के लिए ये स्कीम्स लेके आएंगे। सो एक स्कीम्स का एक एक्सप्लोजन है। तो आप देखेंगे कि आप एक एक गवर्नेंस को मुद्दा बना रहे हैं चुनाव में, अपने आप में देश के चुनावी राजनीति में एक बहुत बड़ी बात है कि डेवलपमेंट एक मुद्दा बन रहा है। पॉलिटिकल पार्टी के जो परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों का वो मुद्दा बन रहा है, और उस पर आपको अपोजिशन घेर रही है, अपने आप में एक परिपक्वता की तरफ दिखा रहा है कि कितनी तौर से ये एक छोटा सा राज्य देश के लिए मॉडल हो सकता है एक राजनीतिक परिपक्वता और चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के तहत। दो और कार्यक्रम में नाम मैं बता देता हूं। जी आपने बोलिए। रसोई गैस का सिलेंडर के बारे में कहा, आप रायतु बंधु स्कीम के बारे में कहा, जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आप कह रहे 2016 से बढ़ के 3,016 होगा अगला साल, अगर बीआरएस वापस आता है, और 4 साल में हर साल में बढ़ा के एकदम 5,000 तक ले जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जो स्वास्थ्य सेवा के लिए आरोग्य श्री, जो स्वास्थ्य के जो कार्यक्रम है उसका बीमा का जो कवर है, 5 लाख से आप 15 लाख रुपया बना दें। तो पैसा है राज्य में, इतना पैसा है, इतना राजस्व है। सर देखिए, वाह, जहां तक आप एक हमेशा एक एक मुद्दा रहता है कि जब भी आप वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस करते हैं उसको इजीली सस्पेंड कर दिया जाता है कि आपकी इकोनॉमी वायबल है उन तमाम स्कीम्स को फुलफिल करने के लिए। सबसे अच्छी चीज ये होती है कि एक स्टेट इस तरह के प्रोमिसेस को दे रहा है और लोग उस पर सवाल खड़ा करेंगे जब वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। सिमिलरली दैट वॉज द सिचुएशन। आपने ये कहा कि आपने दलित बंधु स्कीम लेकर के आए, लोगों के गांव में ये सवाल ये नहीं है कि दलित बंधु स्कीम गलत है। लोगों ने कहा कि हमें नहीं मिला, कि इनको मिला उनको मिला हमें नहीं मिला, सड़कें बनी इनको मिली उनके मिली हमारे गांव में नहीं आई। तो आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं दैट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट टू द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर आप केयरफुली प्लान करते हैं तो आप अपने उन टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। इस बार नहीं करेंगे, यू विल बी एबल टू रीच आउट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो आप अपनी इकोनॉमिक मैनेजमेंट पे ये सवाल ये होता है कि हमने प्रॉमिसेस कर दिए हैं, अब इसको डिलीवर करना है। नाउ जब वो प्लानिंग की स्टेज आती है कि हाउ डू वी मैनेज द एग्जिस्टिंग बजट टू डिस्ट्रीब्यूट सच स्कीम्स, दैट्स अ सेकेंडरी लेवल। अब सवाल यह कि आप एक कंपिटिटिव पॉलिटिक्स है जहां पर आप एक वेलफेयर स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, सो इट्स अ हेल्दी डेवलपमेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। जब आपको बड़ी इंडस्ट्रीज लेने के लिए आपके पास पैसे हैं, आपको एनपीए डिक्लेयर करने के लिए पैसे हैं कि दैट यू आर एबल टू वाइप आउट द लोन्स ऑफ मेनी मेनी मगर इंडस्ट्रीज, एक मिनट, तो एक उस मिनट, आपको मैं यस रोक सर रहा हूं। ये जो एनपीए के बाद क्या, जो कर्ज अब माफी कर दीजिए, किसान यस कर्ज माफी एक चीज है, और बड़े बड़े जी जो उद्योगपति है जिसका
डूब गया उसका कर्ज माफी कर, ये अलग अलग विषय है। और आप किसान के लिए और क्या देंगे? और साथ साथ आप जो छोटा जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इन लोग के क्या दिया? जैसे आप ठीक है, किसान तेलंगाना का किसान मांग रहे जो हल्दी के लिए एक राष्ट्रीय एक बोर्ड बनाए, मगर साथ साथ आप देख रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े उद्योग वो डूब गया बिल्कुल। तो मेरा कहना है बहुत अच्छे कि आर्थिक विकास ये आज तेलंगाना का लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, मगर बात यह है कि किस तरह से ये कार्यक्रम का लागू, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिल्ली में हम लोग बैठ के हम लोग सोचते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म मुद्दा है ही नहीं, बिल्कुल भी और नहीं। जो आज भारतवर्ष में राज कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा। मैं एक भाई साहब की बात कर रहा हूं क्योंकि वो खबर में बहुत आते हैं गलत कारण के लिए। एक भाई साहब का नाम है टी राजा सिंह, उनके खिलाफ 100 से ज्यादा अपराध के केस चल रहे हैं पुलिस वालों ने, उसमें लगभग 18 केस है। आपने किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैला रहा है, पुराने हैदराबाद को कहा कि ये मिनी पाकिस्तान है, वो फिलिस्तीन के लोगों को बदनाम कर रहे हैं और उनको राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड कर दिया था जब वो प्रॉफिट मोहम्मद का भी अपमान किया। फिर चुनाव के पहले ये 2022 में हुई थी, 1 साल के बाद, 1 साल भी नहीं हुआ, आप सस्पेंशन रिवोक कर लिया। इसका माने क्या है, इसका मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्या सोचते हैं टी राजा सिंह जैसे विधायक यही मुद्दा में जीत के आएंगे? वो अपने आप को वो लोधी समुदाय के है, ओबीसी है, वो विधायक है कोशामहल से, ऐसे व्यक्ति भी जीत के आ रहे हैं, ऐसा व्यक्ति भी। भारतीय जनता पार्टी का कहना है 23-25 विधानसभा क्षेत्र में उनका शक्ति या काफी है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 7% से बढ़ के 19% भी ज्यादा हो गया। मैं कह रहा हूं 2014 और 2018 के बीच हमारे प्रधानमंत्री जी 6 बार जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, उन्होंने भी कह रहे हैं हाँ तेलंगाना को एक ओबीसी मुख्यमंत्री होना चाहिए। मगर बात मैं बहुत लंबा छोड़ा भाषण आपका, बात नहीं, मैं सुनना चाहता हूं ये जो सांप्रदायिकता जो कम्युनलिज्म ये मुद्दा है कुछ इलाकों में या नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी किसका देखिए, वोट काटेगा, कांग्रेस का वोट या टीआरएस का वोट? मैं आपको बता दूं कि तेलंगाना की राजनीति में सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि बीआरएस को लेकर के एक रिकॉर्ड ये है कि इन पिछले 9.5 ईयर्स में कम्युनल हार्मनी को काफी मेंटेन किया है। जिस तरह से एक इंटेंस कन्फ्लिक्टिंग जोन में एक स्टेट दूसरे राज्यों में है, उस तरह की यहाँ की सोसाइटी नहीं है। दूसरी चीज ये है कि जहां तक हम ये देख रहे हैं कि ये तेलंगाना का जो चुनाव है वो काफी लोकल चुनाव है, एक बहुत ही ज्यादा एक लोकलिज्म पे बेस है कि आप पूरी स्टेट की सियासत देखेंगे, आप लोगों से मिलेंगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका जो डिस्कॉन्टेंट है वो पार्टी के साथ नहीं है, रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में उनका डिस्कॉन्टेंट देखने को नहीं। उनका जो डिस्कॉन्टेंट देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है एमएलएस के अगेंस्ट में। तो देर आर सम 40 MLAs जिनको वो एक डिस्कॉन्टेंट का ब्रंट झेलना पड़ रहा है पार्टी पर्से के अगेंस्ट में। कोई एक एक एंटी इनकम्बेंसी हो जहां पे बीआरएस पूरी तरीके से उखड़ जाए तो या इस तरह आपका से कह कहना जाए। ये है कि ये जो सत्ता विरोधी एक माहौल नहीं है,
नहीं, एक डिसकॉन्टेंट है एमएलएस के खिलाफ में कि जो दो दो बार से चुन के आए हैं उन्होंने ग्राउंड पर डिलीवर नहीं किया। पीपल लाइक केसीआर, लोगों को मुख्यमंत्री केसीआर चाहिए लेकिन वो एमएलए नहीं चाहिए। अच्छा अदरवाइज आप देख लें कि कांग्रेस पार्टी को 9.5 साल तक एक अपोजिशन की जो भूमिका निभानी चाहिए थी, सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने चाहिए थे, जो जिम्मेदार बनाना चाहिए था सरकार को, उन्होंने नहीं किया। वो 6 महीना पहले इस राज्य में चुनाव में जब वो कर्नाटका का रिजल्ट आता है वो एक्टिव होते हैं, उनको लगता है कि नहीं दे कैन आल्सो डिलीवर ऑन द ग्राउंड। तो 6 मंथ में आप एक्टिव होते हैं और 9.5 ईयर्स तक आप मिस करते हैं। तो इसका ये नहीं होता कि अगर कांग्रेस गेन भी करेगी, इट्स नॉट बिकॉज दैट कांग्रेस हैज डन समथिंग ग्रेट ऑन द ग्राउंड। कुछ ऐसा नहीं किया। उनको जो फायदा मिल रहा है वो लोगों का जो गुस्सा है उस एमएलएज के खिलाफ में, जो चंद एमएलएज हैं रूलिंग पार्टीज के, उनकी बिहेवियर की वजह से, उनकी नॉन डिलीवरी की वजह से और उनकी एक्सेसिबिलिटी की क्राइसिस की वजह से, वो चीज जो है। और एक कहते हैं कि नहीं, ये एमएलए जो है ये 2 बार से चुन के आ रहा है तो हम इसकी अगली बार हम बदलेंगे, दूसरे को देंगे एक मौका, शायद वो ठीक हो जाए। तो एक सेलेक्टिविटी जो है एक एमएलए की, वो डिसकॉन्टेंट एमएलए की जो खिलाफ है वो डिलीवर कर रहा है कांग्रेस के लिए, ना कि जो है सरकार के खिलाफ कोई लहर है। क्योंकि सरकार की स्कीमें ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर आप ये कहें कि ये स्कीमें जनता के प्रति या जनता के हित में नहीं है। तो ये एक मुद्दा, मुझे नहीं लगता है कि बीआरएस के प्रति किसी तरीके का एक एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हाँ, आपने कहा जो एंटी इनकम्बेंसी, जो सत्ता विरोधी एक माहौल आप नहीं देख रहे केसीआर की सरकार के खिलाफ, मगर बहुत लोग समझते हैं कि फिर भी वोट काटने वाले हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर वोट काटेंगे तो किसका नुकसान होगा? कांग्रेस का ज्यादा नुकसान होगा या बीआरएस का? साथ साथ एक और राजनीतिक दल है जिसके बारे में बहुत चर्चा चलता है आजकल, AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका नेता आपका राज्य में है अकबरुद्दीन ओवैसी, और ऑल इंडिया लेवल में एक राष्ट्र लेवल में असदुद्दीन ओवैसी ये रहता है। सब लोग कहते हैं वो जो सार्वजनिक मंच से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बहुत कुछ कहेंगे इन लोग, मगर जिस तरह से वो वोट काटते हैं अलग अलग राज्य में, लोग कह रहे हैं इस बार राजस्थान में, जैसे मध्य प्रदेश में, इसके पहले बिहार में, जिस तरह से वोट काटेगा इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो आप एक राजनीतिक विश्लेषक होके किस तरह से देख रहे हैं ये जो वोट काटते हैं जो छोटा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और AIMIM? जी बिल्कुल सर, आपने सही फरमाया कि अगर बीजेपी विधानसभा के चुनाव में अगर वो 8% से ज्यादा का वोट लेकर के आती है तो ये सीधा सीधे नुकसान जो है कांग्रेस को होना है। क्योंकि जो वोट बेस है यहाँ पर विधानसभाओं में, आप पिछले कई सालों से देखेंगे तो वोट बेस जो जो कोर वोटर है बीजेपी का जो इस राज्य में, वो 8% के आसपास में, 7 से 8% रहता है जो। और ये वो वोटर है जो एंटी स्टैब्लिशमेंट वोटर है, जो ना बीआरएस को पसंद करता है ना कांग्रेस को पसंद करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर ये अपना परफॉर्मेंस 8% से ज्यादा लेके आती है तो ये तमाम जो वोट हैं वो कांग्रेस को जाने थे, क्योंकि वो एंटी बीआरएस वोटिंग होनी थी। वो एंटी बीआरएस वोटिंग जो है कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे बनिस्पत की रूलिंग पार्टी को। तो रूलिंग पार्टी के लिए तो अच्छा है। प्रोफेसर जी साहब, भारतीय जी जनता पार्टी का वोट शेयर 7% से 19% बढ़ गया था जी वो 2014 2018 के बीच। ना नहीं, वो सर वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आप देखेंगे सर 2014 में, उसमें भी 11-12% था एंड देन दे केम बैक टू 8-6-7% इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो वोटिंग पैटर्न है स्टेट का वो लोकसभा के लिए एक अलग दिशा तय करता है और विधानसभा के लिए एक अलग दिशा तय जी करता है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे विधानसभा में बीजेपी जो है वो 15 ऐसी सीटें हैं जहां पर उसका अपना एक प्रेजेंस है। वो इस बार उस एनर्जी के साथ, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ कंपेन देखा,
तो वो करीब जुलाई अगस्त में वो अपने आप को बहुत ही डोरमेंट तरीके से उतनी एग्रेसिव पिच नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी सितंबर अक्टूबर में हम देख रहे हैं कि पार्टी बहुत ही स्ट्रांगली पिच कर रही है कुछ इलाकों में। तो करीब ऐसे पर करीब 5 से 7 सीटें, अगर वो वोट जो एंटी बीआरएस वोटिंग थी या एंटी एमएलए वोटिंग थी, अगर वो डिवाइड हो जाता है, डिस्कॉन्टेंट इकट्ठा नहीं होता, तो ये नुकसान सीधे सीधे कांग्रेस को होगा। एआईएमआईएम जो है यहाँ पर, ये करीब 8 से ज्यादा सीटें नहीं लड़ती, इस बार 1 आध सीटें ज्यादा लड़ रही है, 9 सीटें लड़ रही है, तो और इनका वोट ज्यादा से स्पेस, ज्यादा इन लोग हैं पुराने हैदराबाद में। हाँ वो ऑलमोस्ट एक जो है एक ट्रेडिशनल वोटिंग है कम्युनिटी के, ऐसा नहीं है कि देर इज अ ह्यूज लाइकिंग फॉर द पार्टी, बट पीपल वोट जनरली कि चलो यार इनको हम वोट देते हैं, इनको वोट दे देते हैं, सो दे कन्फाइन देमसेल्फ टू ओनली 8 सीट्स। तो और सभी पार्टियां एक पुअर कैंडिडेट्स देती है, इस बार जो है कांग्रेस ने एक आध दो जगहों पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिया है बीआरएस से लड़ने के लिए, अदरवाइज एमआईएम से लड़ने के लिए, अदरवाइज सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है एमआईएम के अगेंस्ट में वो 8 सीटें 7 सीटों में बहुत ही कमजोर उम्मीदवार देते हैं, अच्छा, वो डमी कैंडिडेट है, उनको लगता है कि सरकार जिसकी भी बने शायद ये उनको सपोर्ट आगे चल करके दे सकते हैं। हमने अभी अभी बात किया अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, जो अलग अलग जो हम कहते हैं विकास के लिए जो कार्यक्रम है, मगर सवाल ये है कि भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं, क्योंकि आज नहीं बहुत दिन के लोग कह रहे कि केसीआर का पार्टी अत्यंत भ्रष्ट है। अब एक नया कुछ हो गया कि दिल्ली में वित्त मंत्रालय के ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन्होंने केसीआर का जो बेटी है कविता जी को बुलाया कि वो बोला उनका कोई एक भाई साहब है अरुण रामचंद्र पिल्लई, जिसमें दिल्ली में शराब के जो ठेका का जो बोली चलते हैं उसमें भ्रष्टाचार है। आप जानते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कारागार में है, कितना सच है कितना नहीं है ये अलग विषय है, मगर ये तो आश्चर्य नहीं। कविता जी कहेंगे ये एक टेलीविजन सीरियल के तरह ये पूरा पूरा एक राजनीतिक एक मुद्दा बन गया। मेरा कहना है भ्रष्टाचार मुद्दा है या नहीं? सर मुझे कहीं भ्रष्टाचार एक मुद्दा नहीं दिखता, रोजगार मुद्दा दिख रहा है। कि यूथ जो है थोड़ी नाराजगी है सरकार को लेकर के कि हमें रोजगार नहीं मिला, हमें वैकेंसीज आपने अनाउंस की और वो फुलफिल नहीं होगी क्योंकि वो पेपर लीक हो गया, वो इसका एग्जाम्स नहीं हुआ, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो जनरेट करनी थी सरकार को उस तरह की नहीं हो पाई, ये एक मुद्दा जरूर है। मुझे भ्रष्टाचार से कहीं ज्यादा एमएलए के व्यवहार जो है, मैं कह रहा हूं सर ये चुनाव एक लोकल चुनाव है, राज्य के स्तर पर एक बहुत बड़ा मुद्दा दिखता नहीं है। कालेश्वरम का एक मुद्दा लेके आए, धारणी का एक मुद्दा लेकर के आए, भ्रष्टाचार का परिवारवाद का भी एक मुद्दा लेकर के आए। जनरली ये मुद्दा हमें विलेजेस में, पोलिंग डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में, मंडल में, या हम वो देखें अलग अलग शहरों में, ये दिखता नहीं है। वो ये दिख रहा है कि इस एमएलए का व्यवहार सही नहीं है या इन यूथ को रोजगार नहीं मिला है, ये एक मुद्दा दिख रहा है। परिवारवाद भी इस तरह से एक डोमिनेंट मुद्दा बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस बार कांग्रेस, हमें तो लग रहा है दिल्ली में बैठ के, कि बहुत उत्साही है। आपने जैसे कहा कर्नाटक का चुनाव के बाद ज्यादा उत्साही हो गया, दो भारतीय जनता पार्टी का नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के कांग्रेस आ गया, और पता नहीं ये सच है ही नहीं, कोई समीक्षा किया किसी ने, कह रहे हैं कोई उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुछ लोग, जिसमें दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाएंगे, 60 है बहुमत का नंबर, मगर कांग्रेस को बोल रहे 80-83 तक जीत सकते, और बीआरएस इतना अच्छा नहीं करेंगे, 22-23-24 तक जाएगा, एमआईएम को 7-8 मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी के 4-5 मिलेगा, इस तरह से एक आंकड़ा हम देख रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग कैसे कह रहे हैं, कांग्रेस के जो सोशल मीडिया वालों हैं उन लोग ऐसे कह रहे हैं। आप अगर भविष्यवाणी करेंगे तो आपका क्या रख लें, नंबर के बारे में थोड़ा आप बताइए। देखिए सर, मैं जो भी मैंने काफी सर्वेस किया इस तेलंगाना स्टेट में, और मई से एक्टिव हूँ, मई से
चीजें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, सर्वेस करवाया है। मेरी अपनी सोच ये है और मेरा जो आंकड़ा बोलता है वो ये है कि 33 सीटें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो प्योरली जो है वो बीआरएस को कंफर्ट जोन में है, और 17 सीटें ऐसी हैं जिसमें स्लाइट एज दिख रहा है बीआरएस को, 1% टू 2%, अब बहुत ज्यादा ये नहीं, लेकिन एज है वो माइनर एज है, बहुत ही स्लाइट एज है। उसी तरीके से कांग्रेस की जो मैं सीटों का एनालाइज कर रहा हूं, जहां पर कांग्रेस मुझे एक कंफर्ट जोन में दिख रही है, वो 31 सीट्स पे दिख रही है। 16 सीटें हैं जो कॉम्पिटेटिव है, हाईली कॉम्पिटेटिव, एनीबडी कैन विन द सीट्स, जहां पे विनिंग मार्जिन जो है 500 से 2000 के करीब होने हैं 16 सीटों में, और दोनों पार्टियां जो है अपनी सारी वर्चस्व को, सारे रिसोर्सेस को उसमें ये कर रही है, और पूरा उन्होंने दम लगा रखा है। तो कोई भी पोलस्टर के लिए इतना आसान नहीं है कि वो 16 सीटें जो हाईली कॉम्पिटिटिव है और वही एज देंगी कि आप कौन जीत रहे हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि 16 सीटों के अलावा, जैसे मुझे लगता है कि बीजेपी जो है 2 सीटों में कंफर्ट जोन में है, और 2 सीटें जहां पर उसको स्लाइट एज है, और जो है 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर एमआईएम दोबारा रिपीट कर सकती है, इनफैक्ट 6 सीटें कंफर्ट जोन में है, और 2 सीटों, 1 सीट में वो एज में है, स्लाइट एज में है, और 1 सीट में कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कहें कि ऐसे सिचुएशन में अगर बीआरएस के पास 50 सीट भी आती है, 50 सीट में बहुमत के लिए 60 का आंकड़ा चाहिए, तो बीआरएस और एमआईएम सपोर्ट कर देती हैं करीब, तो वो 7 सीटें वो और 50, 57 सीटें वो हो जाएंगी। तो ये भी हो सकता है, अगर अब डिपेंड हो रहा है, मुझे ये लग रहा है कि अगर कांग्रेस ने अगर मैं थोड़ा या कंफ्यूज सर हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो सर गया, सच बोल रहा हूँ। हाँ सर बिल्कुल आप कह रहे हैं कि सत्ता विरोधी माहौल आप नहीं देख रहे, आप क्या कह रहे हैं कि बीआरएस का एक एडवांटेज है, फिर भी आप कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कांटे का टक्कर हो जाएगा, कि बीआरएस को और राजनीतिक दल का मदद लेने के बाद ही सरकार बनाने का संभावना है। सर, मैंने ये कहा कि 40 से ज्यादा सीटें हैं एमएलएज के जो जिनके खिलाफ जमीनी स्तर पर डिसकॉन्टेंट है, पार्टी के अगेंस्ट में नहीं है, पार्टी के अगेंस्ट में होगा अगर पार्टी ने उन कैंडिडेट्स को बदल दिया होता मगर तो तो टिकट वो मिल गया इस बार भी। मिल गई। तो वो लहर जो कहते हैं कि जब हम लोगों से पूछते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि टीआरएस ये है, टीआरएस ने गलत कानून बनाए, गलत स्कीमें दी, या केसीआर, या सेटिस्फेक्शन रेशियो जब हम देखते हैं कि आप सरकार के कार्यविधियों से संतुष्ट हैं, तो संतुष्टि भी बहुत अच्छी दिखती है। अच्छा तो अगर सरकार के कामों से संतुष्ट हैं, केसीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं लेकिन इस एमएलए को रिपीट नहीं करना चाहते। ठीक है, समझ गया। मतलब अगर मैं संक्षिप्त में बताऊंगा, आप जिस नजरिया से देख रहे हैं कि इस वक्त जो इनकम्बेंट है, जो केसीआर का सरकार है, उनके पास एक एडवांटेज है, फिर भी आप कह रहे हैं कि लोकल विधायक के खिलाफ एक सत्ता विरोधी एक माहौल है और इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, यानी कि कांग्रेस पूरा उनका शक्ति बढ़ सकते हैं विरोधी दल बिल्कुल बढ़ेगी के, और 88 के जगह टीआरएस को थोड़ा कम मिलेगा, मगर फिर भी बहुमत मिलने का बहुत बड़ा संभावना है। मैं ठीक, कैन आई समराइज इट लाइक दिस? नहीं, मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं कहूं कि बीआरएस को बहुमत मिल जाएगी। मैं ये कहता हूं कि बीआरएस को सरकार बनाने के लिए दूसरी दलों के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, पूरी तरीके से उनको नहीं मिल रहा है। मेरे मैं जहां तक देख पा रहा हूं वो 50 से सीटें जो है, 50 से 55 के बीच में ये सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ये सीटें बढ़ सकती हैं क्योंकि अभी भी टाइम है, लोकल डायनेमिक्स है। यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इससे पहले वाले सवाल आपका था कि क्या बीजेपी को, अगर बीजेपी ने उस एमएलए के खिलाफ जो डिसकॉन्टेंट है अगर उस वोट को डिवाइड कर दिया और मुस्लिम वोट्स डिवाइड हुए, तो फिर कांग्रेस को सत्ता में आना या कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा जो सीट लेके आना मुश्किल हो जाएगा, और तब ऐसी हालात में बीआरएस सरकार बनाने की स्थिति में होगी। ऑलराइट, तो आपका कहना है बहुमत किसको मिलेगा, बीआरएस को मिलेगा कि नहीं, ये आप एकदम गारंटी नहीं दे सकते हैं, मगर एडवांटेज है
बीआरएस की, मगर बिल्कुल कांग्रेस भी, कांग्रेस का शक्ति का कांग्रेस भी कमजोर नहीं होंगे और एक विरोधी दल होके इफेक्टिव हो सकता है। ठीक, आखिरी सवाल, राष्ट्रीय राजनीति में कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें कुछ असर पड़ेगा कि नहीं? आज भी बीआरएस और केसीआर का राजनीतिक दल इंडिया INDIA के अलायंस में नहीं है। वो कह रहे हैं हमें बुलाया नहीं, और कांग्रेस वालों कह रहे हैं कि हाँ ठीक है भाई, तेलंगाना में हमारा एक संघर्ष है, मगर भारतवर्ष के लोकसभा चुनाव में मुद्दा और होगा, मुद्दा अलग होगा। तो तेलंगाना का विधानसभा का जो भी नतीजा होता है वो 3 तारीख को मिलेगा, दिसंबर महीना का 3 तारीख। भारतवर्ष का राजनीति में कुछ ऊपर कुछ असर पड़ने का अब क्या देख रहे हैं पूरा बिल्कुल जो? पड़ेगा। जहां तक मुझे भी लग रहा है कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी अपोजिशन में। अगर चाहे बीआरएस जीत रहा है या कांग्रेस जीत रहा है, ये दोनों चीजें जो कन्विक्शन है अपोजिशन पार्टीज की टू कॉन्टेस्ट कॉन्टेस्ट अगेंस्ट ए डोमिनेंट पार्टी, डोमिनेंट रूलिंग पार्टी, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। एक नए तरीके की नैरेटिव्स को शेप करने में ये रिजल्ट्स मदद करेंगे, और लोगों को भी लगेगा कि दैट की प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट इनविंसिबल, उनको हराया नहीं जा सकता है। ये चीजें भी कमजोर होंगी, और ये पांचों इलाकों में अगर जो रिजल्ट अगर इस तरह के आते हैं तो विपक्ष एक मजबूत स्थिति में नजर आएगा, और उसके पास एक एक संगठन का ढांचा होगा, सरकारी तंत्र का उनके पास एक सपोर्ट होगा, और नैरेटिव बिल्डिंग में उनको एक सपोर्ट मिल सकता है नेशनल पॉलिटिक्स में। क्योंकि हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते कि विधानसभा के क्षेत्र जो है, और वो विधानसभा के चुनाव जो लोकसभा के चुनाव के एकदम पास में हो, तो बिल्कुल असर डालते हैं। अफरोज आलम जनाब, धन्यवाद आपने, मैं ठीक तरह से आपको सवाल नहीं उठा पाऊं, फिर भी आपने, आपको जो कहना है आप एकदम साफ कह दिया, सरल भाषा में कह दिया। मैं सारे न्यूज़ लीक के दर्शक उनके साथ मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और समय बताएंगे क्या होंगे या नहीं होंगे। आप सब देखते रहिए न्यूज़ क्लिक, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।